गाइडन के 13th एडिशन में ये डायग्राम है, पेज 560 पे। ये प्लीज़ आप सब जो है देखें। फ्री नर्व एंडिंग्स, एक्सपेंडेड टिप टू द रिसेप्टर्स, टेक्टाइल हेयर रिसेप्टर्स, क्रॉस कॉर्पसल्स, मीजनस कॉर्पसल्स, फेशिनियन कॉर्पसल्स, रफनी नर्व एंडिंग्स, कॉल्जी टेंडन ऑर्गेन एपरेटस एंड मसल स्पिंडल। ये सारी जो है मेन मेन चीज़ें इन्होंने इसमें दिखाई हुई हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, आपने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स देख ली। अब हम आते हैं पेशिनियन कॉर्पसल्स की तरफ। पेशिनियन कॉर्पसल्स आर लोकेटेड इन द डर्मिस ऑफ द स्किन। दीज आर लोकेटेड इन द डर्मिस ऑफ द स्किन एंड ऑल्सो जॉइंट्स, लिगामेंट्स, कैप्सूल्स एंड अदर टिश्यूज, फेशिया एंड अदर टिश्यूज। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? स्किन की डर्मिस में, जॉइंट्स में, लिगामेंट्स में, ठीक है, और फेशिया एंड अदर टिश्यूज में। ओवॉइड इन शेप, ये ओवॉइड इन शेप हैं, थिक कैप्सूल है। ऑन कट सेक्शन सीम्स लाइक कट अनियन। जब आप इनको काटते हैं तो ऐसे जैसे आप प्याज नहीं काटते हो सेंटर से, और उसके गोल गोल रिंग्स होते हैं, लाइक दिस इस तरह नज़र आता है। इन केस ऑफ दी इन द कोर ऑफ द कॉर्पसल देर आर नर्व एंडिंग्स। इसके डेप्थ में नर्व एंडिंग्स होती हैं विच रिस्पॉन्ड टू मूवमेंट एंड हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस एंड दीज अंडरगो रैपिड अडेप्टेशन। ये हमारे पास आगे पेशिनियन कॉर्पसल्स। अब हम आते हैं रफनी एंड ऑर्गन्स की तरफ। दीज आर डीप एंड लोकेटेड इन द डर्मिस ऑफ द स्किन। रफनी एंड ऑर्गन्स डर्मिस ऑफ द स्किन में होते हैं। इनसाइड द कॉर्पसल बंडल ऑफ कॉलेजन फाइबर्स अलॉन्ग नर्व एंडिंग्स। नर्व एंडिंग्स के साथ कॉलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। दीज रिस्पॉन्ड टू डीप प्रेशर और स्ट्रेच ऑफ द स्किन, जैसे चुटकी काटी उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड अंडरगो स्लो अडेप्टेशन। लास्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन में आता है क्रॉस एंड बल्ब्स। दीज आर लोकेटेड इन द स्किन डर्मेस एंड रिजेंबल्स मीजनर्स कॉर्पसल्स एंड दीज आर इन्वॉल्व इन फाइन टच एंड टू पॉइंट टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन एंड अंडरगो रैपिड अडेप्टेशन। ठीक है, इनमें रैपिड अडेप्टेशन होती है। ये क्लासिफिकेशन सारी की सारी एंड हो गई। आपने इसको बहुत केयरफुली सारा पढ़ना है। ठीक है, डायग्राम मैंने आपको दिखा दी है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है, क्योंकि आई विल आस्क ऑल दीज क्वेश्चंस इन दी जूम। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, चले इस जूम में आपको मैं रिलैक्स कर देती हूँ।